नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमंत संघी। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा की 115 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, वहीं बीजेपी 112 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। सीटों के बंटवारे की सोमवार से ही कवायद चल रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बिहार कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और राज्य प्रभारी भूपेंद्र सिंह यादव मौजूद रहे। महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में आने वाले मुकेश साहनी की पार्टी बीआईपी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम 7 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। बता दें कि बीजेपी और जेडीयू ने 2010 का विधानसभा चुनाव साथ लड़ा था, तब जेडीयू 141 और बीजेपी ने 102 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था। इस चुनाव में जेडीयू ने 115 तो बीजेपी ने 91 सीटों पर जीत हासिल की थी। पंजाब में 3 दिन की यात्रा खत्म करने के बाद राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे। यहां प्रशासन ने राहुल गांधी को हरियाणा में घुसने से रोक दिया है। राहुल गांधी हरियाणा जाने पर अड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक हमें हरियाणा जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, हम ट्रैक्टर पर धरना देते रहेंगे। ट्रैक्टर रैली के दौरान राहुल गांधी खुद ही ट्रैक्टर चला रहे हैं। उनके साथ पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हैं। राहुल के काफिले में मौजूद कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कृषि कानून के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। राहुल गांधी का ये काफिला काफी लंबा दिखा, इसमें सैकड़ों किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। राहुल गांधी जिस ट्रैक्टर को चला रहे थे उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों पर बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि इन काले कानूनों से खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। इसे नष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इन काले कानूनों को लेकर आए हैं, ताकि वो अपने देश के चुनिंदा पूंजीपति मित्रों को इसका फायदा पहुंचा सकें। पिछले 7 महीनों से बंद देश के सिनेमाघर 15 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसके लिए सरकार ने बकायदा SOP जारी की है। कंटेनमेंट जोन के सिनेमाघर फिलहाल बंद रहेंगे। यहां सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रखना होगा। इस बात की जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी है। RBI मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक करने जा रहा है। ये बैठक दिल्ली में 7, 8 और 9 अक्टूबर को होगी। इस दौरान द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाएगी। आखिरी दिन 9 अक्टूबर को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे। इसमें लोन मॉरेटोरियम पर भी कोई फैसला हो सकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को घेरने के लिए क्वाड के विदेश मंत्री टोक्यो में कूटनीतिक वार्ता कर रहे हैं। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा ले रहे हैं। जयशंकर ने वार्ता में कहा है कि भारत क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए सम्मान और विवादों के शांतिपूर्ण हल के लिए प्रतिबद्ध है। हाथरस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने इस मामले को भयानक बताया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के गवाहों और परिवार की सुरक्षा के बारे में पूछा, साथ ही पीड़ित परिवार के पास वकील है या नहीं इसकी भी जानकारी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेटस क्या है, इन मुद्दों पर हलफनामा दाखिल करें। सुनवाई से पहले यूपी सरकार ने अदालत में हलफनामा दाखिल किया। इसमें बताया गया कि खुफिया इनपुट से जानकारी मिली थी कि इस मामले को जाति रंग दिया जा सकता है, इसलिए रात में बेटी का अंतिम संस्कार कराना पड़ा। सरकार ने यह भी दावा किया है कि हाथरस मामले के बहाने राज्य में अराजकता की साजिश रची गई थी। हाथरस केस में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के गिरफ्तार सदस्य पर पुलिस ने बड़ा दावा किया है। बहराइच पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तार 4 लोगों में से एक बहराइच के जरवल का रहने वाला है। ये इलाका इंडो नेपाल सीमा से सटा हुआ है, इसलिए इसके तार यूपी से पार नेपाल से हो सकते हैं। इसकी जांच की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मंडल सेक्टर और बूथ के पदाधिकारियों से ऑनलाइन मुखातिब हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि लोगों की सरकार की उपलब्धियां गिनाएं, साथ ही विपक्ष के कारनामों की पोल भी खोलें। उन्होंने कहा कि मतदाताओं से गहन जनसंपर्क कर पूरा फोकस करें। बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरे दिन ही असर दिखने लगा है। सीएम योगी ने ऊर्जा विभाग की हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, प्रमुख सचिव ऊर्जा और वित्त विभाग के अधिकारियों को तलब किया गया है। उत्तर प्रदेश में एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर कर दिया है। रेल मंत्री ने कहा कि नौगढ़ के समीप लुम्बिनी है, जहां महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ का जन्म हुआ है। उनसे जुड़ी तमाम कहानियों की चर्चा होती रहती है, इसलिए नौगढ़ को सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने दूसरे राज्यों के किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अब दूसरे राज्य के किसान अपनी धान की फसल को हरियाणा में बेच सकते हैं। हालांकि किसानों को धान खरीद के लिए बने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, इसी के जरिए मंडी में धान बेचा जा सकता है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के नजफगढ़ में डी कम्पोजर घोल निर्माण केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि पराली जलाने के लिए घोल तैयार किया गया है, इसके छिड़काव से पराली खेत में ही सड़ जाएगी। दिल्ली सरकार किसानों के लिए इसका छिड़काव फ्री में करवाएगी। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स को लेकर गिरफ्तार हुई रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। मुंबई की अदालत ने रिया और सौविक चक्रवर्ती की न्यायिक रिमांड 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। बता दें कि रिया, सौविक और 18 अन्य आरोपियों की आज न्यायिक हिरासत में रहने की अवधि खत्म हो रही थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने मंगलवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। रेड्डी ने पीएम मोदी के साथ राज्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इन मुद्दों में पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए लंबित धनराशि जारी करना भी शामिल है। वाईएसआर कांग्रेस के एनडीए में शामिल होने की अटकलों के बीच रेड्डी और मोदी ने मुलाकात की है। अमेरिका की सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें लोगों को चेताया गया है कि हवा में देर तक रहने पर भी कोरोना लोगों की चपेट में ले सकता है। सीडीसी ने कहा है कि बात के सबूत है कि लोगों के 6 फीट की दूरी पर खड़े होने के बाद भी कोरोना फैल रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों के आरोपी सांसदों और विधायकों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इनमें सांसदों और विधायकों पर दर्ज मामलों को जल्द निपटाने के लिए जवाब मांगा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया और इन पर सुनवाई भी शुरू कर दी है। बिहार चुनाव पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना बिहार चुनाव में 30-40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके लिए शिवसेना 1-2 दिन में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी करेगी। राउत ने कहा कि बिहार चुनाव में पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे समेत कई लोगों को जवाब दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के सरायकेला की जनता के साथ सामूहिक अनशन पर बैठने की धमकी दी है। मुंडा ने कहा कि आमदा में बीते 8 सालों से अस्पताल निर्माणाधीन है, इसका निर्माण कार्य जल्द पूरा नहीं हुआ तो वो लोगों के साथ धरना देंगे। बता दें कि मुंडा ने खुद मुख्यमंत्री रहते अस्पताल का शिलान्यास वर्ष 2012 में किया था। दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन मरकज मामले में 54,000 पेज की चार्जशीट दाखिल की है, साथ ही इसे कोर्ट में दाखिल भी कर दिया गया है। इसमें मौलाना साद समेत 952 लोगों को आरोपी बनाया गया है। वहीं कोर्ट अब तक 908 विदेशी जमातियों को दोषी ठहरा चुका है। कई आरोपी कोर्ट में जुर्माना भरकर अपने देश वापसी कर चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए बड़ा ऐलान किया है। कमलनाथ ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए पड़ोसी और दूसरे राज्यों के कांग्रेस नेताओं को न्योता भेजा है। इसमें कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थन वाली सरकारें भी शामिल हैं। इनमें सीएम गहलोत, सीएम ठाकरे, सीएम भूपेश और सीएम हेमंत सोरेन को बुलाया गया है। उत्तराखंड में मंत्री पद की आस लगाए बैठे नेताओं के लिए अच्छी खबर आई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। उत्तराखंड का मंत्रिमंडल विस्तार नवरात्रि में होगा। दरअसल त्रिवेंद्र सरकार में 3.5 साल से 3 मंत्री पद खाली चल रहे हैं। इनको नवरात्रि में भरने की तैयारी शुरू कर दी गई है। गलत बयानबाजी को लेकर मानहानि केस का सामना कर रहे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी हाजिर न होने पर एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने अजय कुमार लल्लू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इस साल भूत विद्या की पढ़ाई न कराने का फैसला किया है। बीएचयू ने इस वर्ष दाखिला प्रक्रिया शुरू नहीं की है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब शायद बीएचयू भूत विद्या की पढ़ाई बंद कर सकता है। आपको बता दें कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय भूत विद्या का सर्टिफिकेट कोर्स करवाता है। यूपी के भदोही के विधायक विजय मिश्रा की पत्नी रामलली को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हालांकि उनके बेटे विष्णु मिश्रा को राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने रामलली को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। रामलली 1.5 लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा हो गई हैं। मध्य प्रदेश कैडर के निलंबित आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा ने अपने निलंबन के खिलाफ कैट का दरवाजा खटखटाया है। आईपीएस ने कैट में याचिका दायर की है। इसमें अपने खिलाफ लगे आरोपों को चुनौती दी है। पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि सरकार ने उनका पक्ष सुने बिना ही उन्हें सस्पेंड किया है। ये फैसला सरकार के जल्दबाजी में लिया गया है। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। ये मुलाकात भोपाल में सीएम आवास पर हुई। अनुपम खेर ने सीएम शिवराज से मध्य प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही खेर ने अपनी फिल्म द लास्ट शो की शूटिंग देखने का न्योता भी दिया। बिहार की बेऊर जेल में बंद बाहुबली विधायक अनंत कुमार सिंह आरजेडी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो आरजेडी के टिकट पर मोकामा से 7 अक्टूबर को अपना नामांकन कर सकते हैं। बता दें कि अनंत सिंह की छवि बिहार में एक दबंग वाली रही है। इन्हें लोग छोटे सरकार नाम से भी पुकारते हैं। वहीं
अनंत ने पिछला चुनाव भी जेल से ही जीता था। मध्य प्रदेश की भोपाल पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो भोपाल से इंदौर तक आपराधिक वारदातों में सक्रिय था। पुलिस ने कहा है कि इस गैंग में एक ही परिवार के 50 लोग शामिल हैं। पुलिस ने अभी 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये गैंग चोरी और लूट की वारदातों को सातिराना अंदाज में अंजाम देता है। हरियाणा के बहुचर्चित चप्पल और थप्पड़ कांड में अब नया मोड़ आ गया है। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट ने मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह पर मानहानि का दावा किया है। इसमें सोनाली ने सुल्तान को 5 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है। बता दें कि सोनाली ने सुल्तान को थप्पड़ और चप्पल से पीटा था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। बिहार चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर राबड़ी आवास के बाहर 2 गुट भिड़ गए। इसमें जमकर लात घूंसे चले। इस दौरान विधायक सरोज यादव घायल हो गए हैं। आपस में भिड़ने वाले आरजेडी के 2 गुट भोजपुर से आए थे। इसमें एक गुट का प्रतिनिधित्व पार्टी के विधायक सरोज यादव कर रहे थे, जबकि दूसरे गुट की अगुवाई टिकट के दावेदार गजेंद्र यादव कर रहे थे। राजधानी दिल्ली में अब धीरे धीरे ठंड दस्तक दे रही है। मानसून सीजन खत्म होने के बाद न्यूनतम तापमान पहली बार 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। अक्टूबर का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस है। सैमसंग इंडिया ने अपने उत्पादों का उत्पादन भारत में करने का ऐलान किया है। सैमसंग ने कहा है कि इसी साल दिसंबर से भारत में रंगीन टीवी सेटों का उत्पादन शुरू करेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने विगत दिनों रंगीन टेलीविजन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद सैमसंग ने टीवी सेटों का भारत में ही निर्माण करने का फैसला लिया है। कांड में कानपुर पुलिस ने विकास दुबे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में 2058 पन्ने हैं। पुलिस ने विक्रू कांड में 102 गवाहों के नाम शामिल किए हैं। पुलिस ने अपने विभाग को छोड़कर बाहर का एक भी गवाह नहीं बनाया है। दरअसल विकास दुबे के खिलाफ आज भी कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। आरजेडी सांसद मनोज झा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी तेज प्रताप और तेजस्वी के बचाव में उतर आए हैं। दोनों नेताओं ने दावा किया है कि शक्ति मलिक के साम मामले में तेज प्रताप और तेजस्वी पर राजनीतिक साजिश के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। अगर मलिक के मामले में तेज प्रताप और तेजस्वी दोषी पाए जाएं तो उनको फांसी दे दी जाए। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू को कोरोना हो गया है। उन्होंने खुद को कोरोना संक्रमण होने की जानकारी ट्वीट कर दी है। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। हालांकि उन्होंने संपर्क में आने वाले को कोरोना जांच कराने की सलाह दी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली में बलबीर सिंह मौजूद रहे थे। साल 2020 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार विजेता का ऐलान हो गया है। इस साल ये पुरस्कार रोजन पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेज को दिया गया है। पुरस्कार राशि में से आधा हिस्सा पेनरोज को दिया जाएगा, जबकि बाकी आधे में से आधी राशि रेनहार्ड और एंड्रिया को मिलेगी। मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार भारी बढ़त पर बंद हुआ। ये लगातार चौथा कारोबारी सत्र है जब सेंसेक्स निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 600 अंक ऊपर चढ़कर 39,574 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 159 अंक की बढ़त के साथ 11,662 के स्तर पर बंद हुआ। बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष मीटू मामले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंची। पायल ने दिल्ली ऑफिस में आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा से मुलाकात की। यहां पायल ने जांच को आगे बढ़ाने पर चर्चा की है, साथ ही वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा भी मांगी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कोटा में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौर में पूरी दुनिया भारतीय तरीकों को अपना रही है। उन्होंने कहा कि वायरस से पस्त होने के बाद पूरी दुनिया भारतीय पर्यावरण अनुकूल विकास मॉडल को अपना रही है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। चौटाला ने खुद को कोरोना होने की जानकारी ट्वीट कर दी है। वहीं उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री राम नरेश अग्नोत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके बेटे अंकुर अग्नोत्री ने इसकी पुष्टि की है। अंकुर ने बताया है कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स ले जाया गया है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने पीजी में दाखिला देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। कुलपति सिकंदर कुमार ने कहा है कि कोरोना काल के चलते पीजी में दाखिला लेने के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। इस बार पीजी में दाखिला यूजी के नंबरों के आधार पर होगा। इन्हीं नंबरों के आधार पर यूनिवर्सिटी मेरिट जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने हाथरस के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार में एक बेटा 12वीं पास है, उसे यूपी सरकार क्लास 3 की नौकरी देगा। इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए नया प्रोटोकॉल जारी किया है। नए प्रोटोकॉल में उन विशेष दवाओं के नामों की जानकारी भी दी गई है जिन्हें कोरोना मरीजों को देने से उन्हें लाभ मिलता है। इनमें सबसे प्रमुख आयुष 64 को कोरोना वायरस के लिए सबसे ज्यादा कारगर बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित ईएमआई में ब्याज की छूट को लेकर असंतुष्टि जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार के हलफनामे पर उसे फटकार लगाई है। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि ब्याज माफ करेंगे कहना काफी नहीं है, सरकार को पूरी रूपरेखा बताना चाहिए कि ब्याज माफी कैसे और कब करेगी। समाजवादी मुलायम सिंह युद्ध ब्रिगेड के पूर्व जिलाध्यक्ष राम ज्ञान गुप्ता ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ग्राम पंचायत अजमत नगर में बैठक की। गुप्ता ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के हितों की अनदेखी करने वाला कृषि कानून लाई है, इससे किसान अपनी जमीन का मालिकाना हक खो देंगे। रामपुर में निजीकरण के विरोध में बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व मजदूर संघ ने किया। विद्युत कर्मियों ने पूरे दिन कार्य बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन धरना घोषित किया है। आंदोलन में अभियंता संघ ने भी मोर्चा खोल दिया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।